नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट मिल सके हमारे चैनल की। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच गैस इज मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस? तो दोस्तों, कौन सी गैस ऐसी है जो कि बहुत पॉपुलर है लाफिंग गैस के नाम से? तो हमारा आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट वॉज ऑब्जर्व एंड डिस्कवर्ड बाय हुम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डिस्कवर करा है? तो हमारा आंसर होगा जेम्स हरग्रीव्स। ब्रह्मोस मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो कौन सी कंट्री ने डेवलप करी है? तो हमारा आंसर होगा डेवलप्ड विद जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया वॉज डेवलप्ड बाय? जो इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किसने करा है? तो हमारा आंसर होगा गैलीलियो। हु अचीव द डिस्कवरी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की जो डिस्कवरी करी है वो किसने करी है? तो हमारा आंसर होगा एल्बर्ट डेंट। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा रॉट आयरन। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस? मॉरिशियस कंट्री जो है उसके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा प्रविंद जुगनौथ। हु इज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक जो है उसके एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा सुमंत खतपालिया। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ? व्हाइट रेवोल्यूशन जो होता है वो किस चीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर होगा मिल्क प्रोडक्शन। हु इज एमडी एंड सीईओ ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसके एमडी और सीईओ कौन है? तो हमारा आंसर होगा सुशील चंद्र मिश्रा। हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ मिजोरम? मिजोरम के नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा एस श्रीधरन पिल्लई। द फोर्थ ईस्ट एशिया समिट इज टू बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? चौथी ईस्ट एशिया समिट जो होने वाली है वो कौन सी सिटी में होने वाली है? तो हमारा आंसर होगा चेन्नई। विच एनिमल हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द होस्ट ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया? तो दोस्तों, कोरोना वायरस जो कि फैल रहा है चाइना में वो कौन से जानवर की वजह से हुआ है? तो हमारा आंसर होगा पेंगोलिन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है इंडिया के? तो हमारा आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2020? वर्ल्ड कैंसर डे 2020 की थीम क्या है? तो हमारा आंसर होगा आई एम एंड आई विल। हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है उसमें वुमेन्स टूर्नामेंट जो होता है टेनिस का, उसमें वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो हमारा आंसर होगा अंकिता रैना। विच स्टेट लॉन्च्ड जनसेवा स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाइक राशन कार्ड? कौन सी स्टेट है जिसने की एक सर्विस लॉन्च करी है जिसमें कि जो राशन कार्ड होंगे वो होम डिलीवरी करे जाएंगे जनसेवक स्कीम के नाम से? तो हमारा आंसर होगा कर्नाटका। प्रणब गोगोई हु रिसेंटली डाइड एट 84 वॉज अ फॉर्मर असेंबली स्पीकर ऑफ विच स्टेट? प्रणब गोगोई जो है वो कौन से फॉर्मर स्पीकर हैं कौन सी असेंबली के? तो हमारा आंसर होगा असम। विच इंडियन स्टेट हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट? कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें कि सबसे ज्यादा कम जो है लिटरेसी रेट है? तो हमारा आंसर होगा बिहार। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
जिसको कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल 32। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 27th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 27वें चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए हैं पाकिस्तान के? तो हमारा आंसर होगा गुलजार अहमद। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NHAI। NHAI जो है उसके न्यू चेयरमैन जो है कौन अपॉइंट करे गए हैं? तो हमारा आंसर होगा सुखबीर सिंह सिंधु। विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसको कि लैंड ऑफ फाइव रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा पंजाब। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज कंट्री ऑफ कॉपर। कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ कॉपर भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा जाम्बिया। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। NIA जो है उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारा आंसर होगा YC मोदी। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। देहरादून सिटी जो है वो कौन सी स्टेट की कैपिटल है? तो हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। सेबी जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है उसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो हमारा आंसर होगा शक्तिकांत दास। 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। 281 एंड बियॉन्ड जो बुक है वो किसने लिखी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो हमारा आंसर होगा VVS लक्ष्मण। द नेम गिवन टू द बॉर्डर विच सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कौन सा बॉर्डर है जो कि सेपरेट करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को? तो हमारा आंसर होगा दुरंग लाइन। द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड इज। कौन सी कंट्री सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है रबर की पूरे वर्ल्ड में? तो हमारा आंसर होगा थाईलैंड। द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाली कौन सी कंट्री है? तो हमारा आंसर होगा ब्राजील। द अर्लियर नेम ऑफ श्रीलंका वॉज। पुराना नाम क्या था श्रीलंका का? तो हमारा आंसर होगा सिलोन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर होगा राजेंद्र सिंह। फरोशा कोटला स्टेडियम हैज बीन रिनेम्ड एज। फरोशा कोटला स्टेडियम जो है दिल्ली में उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो हमारा आंसर होगा अरुण जेटली स्टेडियम। व्हाट वॉज द वेन्यू फॉर द साउथ एशियन गेम 2019। साउथ एशियन गेम्स जो हुए हैं 2019 में उनका वेन्यू क्या था? तो हमारा आंसर होगा नेपाल काठमांडू। रिसेंटली विच कंट्री हैज वन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 किस कौन सी कंट्री ने जीता है? तो हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। विच कंट्री होस्टेड द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। कौन सी कंट्री ने होस्ट करा है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो हमारा आंसर होगा साउथ अफ्रीका। आईसीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट। आईसीसी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 15 जून 1909। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ रोजेज। लैंड ऑफ रोजेज के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा बल्गेरिया। मीनाक्षी अमन टेम्पल इज इन विच स्टेट। मीनाक्षी अमन टेम्पल जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट। वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF। IMF जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF हैज बीन रिनेम्ड एज। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैज बीन रिनेम्ड एज।
इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है लखनऊ में, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। विच प्लेनेट हैज द फास्टेस्ट रिवोल्यूशन टाइम देन अदर्स? कौन सा प्लेनेट है जो कि सबसे तेज रिवोल्यूशन टाइम है जिसका? तो हमारा आंसर होगा मरकरी। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एंड ओशियन? कौन सी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम सी की गहराई और ओशियन की गहराई नापते हैं? तो हमारा आंसर होगा फैथोमीटर। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन हैज बीन रिनेम्ड एज? प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो है दिल्ली में, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हमारा आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। विच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्ड फॉर्मेशन? दही जो होती है उसके बनने में कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा आंसर होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैकिलस। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? पहले चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? तो हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज बीन रिनेम्ड एज? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा बदलाव, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी? कौन सी ग्लैंड जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है इंसुलिन के सिक्रीशन में? तो हमारा आंसर होगा पेनक्रियास। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम फर्स्ट टू रिजर्व अ गवर्नमेंट जॉब फॉर एचआईवी पॉजिटिव कैंडिडेट? एचआईवी पॉजिटिव कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए अब जो है सीट्स रिजर्व करी जाएंगी कौन सी स्टेट के द्वारा? तो हमारा आंसर होगा केरला। फ्रॉम विच प्लेस नेपाल हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेपाली सैट वन? नेपाल की जो पहली सैटेलाइट है नेपाली सैट वन, वो कौन सी कंट्री से लॉन्च करी है नेपाल ने? तो हमारा आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। विच ऑनर इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर जो है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा भारत रत्न। इन 2020 भारत रत्न विल बी गिवन टू विच पर्सनैलिटी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? 2020 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो हमारा आंसर होगा नो वन। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट? कौन सी कंट्री ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करा है? तो हमारा आंसर होगा रशिया। द फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न वॉज? पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी स्टेट ऑफ इंडिया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 जो ऑर्गेनाइज करे गए थे वो कौन सी सिटी में या स्टेट में ऑर्गेनाइज हुए थे? तो हमारा आंसर होगा गुवाहाटी, असम। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसका जो अपर पार्ट होता है वो कौन से ब्रेन के पार्ट से ओरिजिनेट होता है? तो हमारा आंसर होगा मेडुला। हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड? सबसे ज्यादा यंग पर्सन कौन है जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? दुनिया का पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो हमारा आंसर होगा एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। विच टीम हैज वन दी दिलीप ट्रॉफी 2019 अवार्ड? दिलीप ट्रॉफी 2019 जो अवार्ड है वो कौन सी टीम ने जीता है? तो हमारा आंसर होगा इंडिया रेड। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वॉज सेटअप इन? द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो कब सेटअप हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 1985। एनसीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? एनसीजी कौन से साल में स्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 1948। विच ग्लैंड इज नोन एज द थर्ड आई इन ह्यूमन बॉडी? कौन सी ग्लैंड को थर्ड आई बोला जाता है ह्यूमन बॉडी की? तो हमारा आंसर होगा पाइनियल ग्लैंड। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेम्बू इन इंडिया? सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कौन सी स्टेट है बेम्बू को? तो हमारा आंसर होगा असम।
विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट वेस्टलैंड एरिया इन इंडिया, सबसे ज्यादा वेस्टलैंड एरिया जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2019 वेन्यू वॉज, 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है 2019 में उसका वेन्यू क्या था? तो हमारा आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। विच प्लेयर हैज मेड अ रिकॉर्ड बाय विनिंग दी हॉफमैन कप द मोस्ट टाइम, कौन से प्लेयर जो है उसने एक रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा हॉफमैन कप जीत के? तो हमारा आंसर होगा रॉजर फेडरर। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो हमारा आंसर होगा निर्मला सीतारमन। विच कंट्री क्रिकेट टीम हैज रिक्रिएटेड आ रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग 278 रन इन T20 मैच, कौन सी कंट्री ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है एक T20 मैच में 278 रन बना के? तो हमारा आंसर होगा अफगानिस्तान। हु इज द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो हमारा आंसर होगा पीयूष गोयल। वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ब्रेल डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 4 जनवरी। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, करंट मिनिस्टर कौन है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की? तो हमारा आंसर होगा स्मृति ईरानी। हु हैज लॉन्च्ड मनी ऐप फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन इन इंडिया, जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है इंडिया में उनके लिए मनी ऐप जो है वो किसने लॉन्च करी है? तो हमारा आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो होता है उसका उसको कौन हेड करता है? तो हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द 28th आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, 28वें आर्मी चीफ इंडिया के कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो हमारा आंसर होगा मनोज मुकुंद नार्वे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिफेंस एक्सपो 2020 हैज बीन हेल्ड, 2020 इंडियन डिफेंस एक्सपो जो है वो कौन सी स्टेट में हुआ है? तो हमारा आंसर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सीएम ऐप, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सीएम ऐप जो है वो लॉन्च करी है? तो हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। द सुल्तान अजलन शाह कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, सुल्तान अजलन शाह कप जो होता है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर होगा हॉकी। अलाहाबाद सिटी हैज बीन रिनेम्ड एज, अलाहाबाद सिटी जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा प्रयागराज। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो हमारा आंसर होगा अमीनो एसिड। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन द फीमेल, फीमेल जो होती हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो हमारा आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब। विच ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो होता है वो कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है? तो हमारा आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर होगा विनोद कुमार यादव। 16th प्रवासी भारतीय दिवस हैज बीन क्रिएटेड, 16th प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया है? तो हमारा आंसर होगा 9 जनवरी। इन विच स्टेट इसरो हैज अनाउंस्ड टू सेटअप अ न्यू सेंटर फॉर प्रोजेक्टिंग स्मॉल सैटेलाइट्स, इसरो ने क्या अनाउंसमेंट करी है कि वो कौन सी स्टेट में एक अपना नया सेंटर खोलेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए? तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर 2020 एस ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, किस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को डिक्लेयर करा है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ? तो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। विच कंट्री जनरल कासिम सुलेमानी हैज बीन किल्ड बाय यूएसए, यूएसए ने कौन सी कंट्री के जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ कर दी है? तो हमारा आंसर होगा ईरान। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सेकेंड एडिशन ऑफ इंद्रधनुष 2.0 हेल्ड, कौन सी स्टेट में सेकेंड एडिशन हुआ है इंद्रधनुष 2.0 का? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हु इज द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल कौन है? तो हमारा आंसर होगा अभिनव कुमार।
विनर ऑफ मिस तीन इंटरनेशनल 2019? तो हमारा आंसर होगा आयुषी धोलकिया। इन विच सिटी 107th इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड? तो हमारा आंसर होगा बेंगलुरु। 28th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर हेल्ड इन विच सिटी? 28वां एडिशन जो है वर्ल्ड बुक फेयर का कहां पे हुआ है? तो हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। फर्स्ट चीफ ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? पहले चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के? तो हमारा आंसर होगा सुरेश चंद्र शर्मा। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 विनर? तो हमारा आंसर होगा पीयूष जायसवाल। हु इज द न्यू कमांडर ऑफ ईरान? ईरान के न्यू कमांडर कौन है? तो हमारा आंसर होगा इस्माइल कानी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व ऑन? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 15 सितंबर। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।